अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद मज़हर आज़म है और मैं डाओ मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर MBBS का स्टूडेंट हूँ। आज जो हमने टॉपिक कवर करना है दैट इज़ एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मैन, और आज हम बेसिकली इसकी इंट्रोडक्शन लेंगे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मैन जो है उसके कंपोनेंट्स कौन से हैं। फिर आगे हम बहुत डिटेल में किडनी के स्ट्रक्चर को देखेंगे, बट वो नेक्स्ट वीडियो होगी। फिर हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को, देन किडनी के फंक्शन को, और उसके बाद अगली आने वाली वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, ठीक है। और इसी तरह ये पूरा चैप्टर हम आहिस्ता आहिस्ता कवर करते जाएंगे, ठीक है। तो आज जो हमने टॉपिक कवर करना है दैट इज़ एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मैन। कह रहे हैं जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, बेसिकली जब यहाँ पर मैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात कर रहा हूँ ना, वो सिर्फ यूरिनरी सिस्टम को कंसिडर कर रहा हूँ, ओके। तो जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है मैन का, जिसको हम यूरिनरी सिस्टम यहाँ कंसिडर करूँगा मैं, ठीक है, उसमें क्या क्या होता है। उस एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारे पास होती हैं किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड आ ट्यूबुलर यूरेथ्रा। ये क्या है, ये सब कुछ मैं आपको पहले डायग्राम से समझाता हूँ और उसके बाद हम इसको रीड करेंगे, तो इंशाल्लाह यू विल नॉट फेस एनी डिफिकल्टी, ठीक है। सो फॉर दैट सी दिस डायग्राम, ये आपके सामने एक तस्वीर मौजूद है। जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है ना, जो यूरिनरी सिस्टम है मैन का, उसमें तो दो किडनीज आती हैं। ये है हमारी एक राइट किडनी और ये है हमारी लेफ्ट किडनी। तो दो किडनीज आ गई हैं, कि ये हो गई राइट वाली और ये हो गई लेफ्ट वाली। अब इस किडनी से ये देखो एक ट्यूब निकल रही है, ये एक ट्यूब निकल रही है। ये ट्यूब जो है थोड़ी एक हॉलो है, हॉलो का मतलब है इसके अंदर एक ल्यूमेन होगा जहाँ से किडनी जो यूरिन बनाएगी ना, वो इस ट्यूब के अंदर डाल देगी। इस ट्यूब को कहते हैं यूरेटर, और ये यूरेटर जहाँ किडनी से स्टार्ट हो रहा है ना, ये यूरेटर जहाँ से निकलता है उसको रेनल पेल्विस कहते हैं। रेनल का मतलब होता है किडनी ना, और रेनल पेल्विस यानी कि पेल्विक एरिया ऑफ किडनी जहाँ से यूरेटर निकले। तो ये जो एक्सपेंडेड एरिया है इसका, ठीक है, ये जो एक्सपेंडेड एरिया है इसको हम रेनल पेल्विस कहते हैं। और ये जो पूरा एरिया होता है ना जहाँ पर ये रेनल पेल्विस जहाँ से निकल रहा है, उसको हाइलम ऑफ किडनी कहते हैं। हम आगे भी पढ़ेंगे, बट ये किडनी है पूरी, किडनी का ये जो पूरा एरिया है ना, ये वाला जहाँ पर देखो ये वेन भी अंदर जा रही है, रेनल वेन, और ये रेड वाली आपको पीछे नज़र आ रही होगी आर्टरी। तो जहाँ पर ये रेनल आर्टरी और रेनल वेन इंटर हो रही है, और ये जो यूरेटर है जो रेनल पेल्विस की फॉर्म में, देखो ये जो एक्सपेंडेड पोर्शन होता है ना यूरेटर का, ये एक्सपेंडेड पोर्शन, इसको हम रेनल पेल्विस कहते हैं। तो जहाँ से पेल्विस निकल रहा है और रेनल वेन और आपके आर्टरी अंदर दाखिल हो रही है, इसको हम क्या कहते हैं, हाइलम ऑफ किडनी कहते हैं। यहाँ पर सारे स्ट्रक्चर निकलते हैं। और यहाँ देखो कि किडनी बाहर से कैसी है, थोड़ी कॉन्वेक्स है, ठीक है, कॉन्वेक्स, ये थोड़ा जो तिरछा एरिया होता है ना, ये इसको कॉन्वेक्सिटी कहते हैं। और अंदर से कैसी है, देखो अंदर से ये ऐसी है, ये कॉनकेव है, अंदर यानी कॉनकेव है, बाहर से कॉन्वेक्स है। तो ये हमारा यूरेटर है, जो यूरेटर है नीचे जाता है जाता है, यानी कि यूरेटर क्या करता है, किडनी से यूरिन लेके आता है, और यूरेटर तकरीबन 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। जब नीचे आता है तो ये खुलता है इस ब्लैडर में। यूरेटर कहाँ ओपन होता है, आपके इस ब्लैडर में दाखिल होता है, ठीक है। और ये ब्लैडर क्या है, ये मस्कुलर ऑर्गन है, ये मस्कुलर ऑर्गन है, और ऐसा ऑर्गन है जो डिस्टेंस कर सकता है, यानी कि यूरेटर्स के जरिए जो यूरिन आएगा ना, ये एक हमारा एक यूरेटर ये है, एक और यूरेटर ये है, तो दोनों किडनी से एक एक यूरेटर निकल रहा है जो आपके ब्लैडर में एम्प्टी होता है। यानी यूरेटर क्या करता है, अपना सारा यूरिन ब्लैडर में एम्प्टी करता है। जो ब्लैडर है आहिस्ता आहिस्ता भरना शुरू होता है, तो ये एक्सपेंड होता जाता है, इसलिए कहते हैं ब्लैडर इज डिस्टेंसेबल, यानी कि एक्सपेंड हो सकता है। फिर जो ब्लैडर से देखो एक ये ट्यूब निकल रही है जिसको हम यूरेथ्रा कहते हैं, ये भी एक तरह की ट्यूब है, और इस यूरेथ्रा के जरिए हमारा यूरिन जो है ना, वो ब्लैडर से निकलता है और बॉडी से बाहर चला जाता है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट टू रीड दिस टॉपिक नाउ। ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें हमारी किडनीज आती हैं, यूरेटर आता है, यूरिनरी ब्लैडर आता है, और यूरेथ्रा आता है, ठीक है, ट्यूबुलर यूरेथ्रा यानी कि यूरेथ्रा। किडनी जो होती है, कह रहे हैं इट लाइज ऑन आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। अभी जो किडनी है ना, और ये देखो आपकी ट्यूब्स नज़र आ रही हैं, यहाँ पर हमारी पूरी वो रीढ़ की हड्डी होती है जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। तो ये है हमारा वर्टिब्रल कॉलम। तो हमारे वर्टिब्रल कॉलम के राइट पे भी और लेफ्ट पे भी हमारी किडनी मौजूद है, ठीक है। इसके साथ साथ जो किडनी जो मौजूद है, अगर हम बताना चाहें कि यार वर्टिब्रा अलग होते हैं ना, वर्टिब्रा का थोरेसिक वर्टिब्रा भी होते हैं, ठीक है, पहले सर्विकल आते हैं गर्दन वाले, देन थोरेसिक चेस्ट वाले आते हैं, देन फिर लंबर वर्टिब्रा आते हैं यहाँ इस एरिया वाले, अगर आखिर में सैक्रल आते हैं, कोक्सीजल आते हैं फिर, ठीक है। सो ये जो लंबर वर्टिब्रा है, ये जो वर्टिब्रा है इनके लेवल है, जो आपका किडनी है बेसिकली ये स्टार्ट होता है कहाँ से, 12th थोरेसिक वर्टिब्रा, यानी कि T12 से आपकी किडनी स्टार्ट होती है, यानी कि ये जो लेवल है ना किडनी जहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये T12 है, और T12 से ये L3 तक जाती है। तो किडनी कहाँ से कहाँ तक जाती है भी पेपर में आपसे पूछ सकते हैं, और MD CAT में भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपका किडनी है एक्सपेंड, ये स्टार्ट होता है फ्रॉम 12th थोरेसिक वर्टिब्रा और वहाँ से जाता है 3rd लंबर वर्टिब्रा तक, ओके। अब बात करते हैं यूरेटर की। यूरेटर एक ट्यूब लाइक ऑर्गन है, 25 सेंटीमीटर लंबी है, और ये बिगिन कहाँ पर होती है, ये रेनल पेल्विस से स्टार्ट होती है, जो फनल शेप एरिया है। फनल शेप एरिया फ्रॉम वेयर यूरेटर बिगिन इज कॉल्ड पेल्विस या रेनल पेल्विस।
इट एक्सटेंड डाउनवर्ड पैरेलल टू वर्टिब्रल कॉलम कह रहे हैं। वर्टिब्रल कॉलम के साथ साथ देखो यूरेटर नीचे आता है, जब नीचे आता है तो ये कहाँ एम्प्टी होता है, यूरिनरी ब्लैडर में होता है, और ये ट्रांसपोर्ट करता है यूरिन को आपकी किडनी से किस में, यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर जो है ये हॉलो और डिस्टेंसिबल मस्कुलर ऑर्गन है, यानी कि डिस्टेंसिबल यानी कि जो एक्सपेंड कर सकता है, और इट इज़ लोकेटेड विद इन द पेल्विक कैविटी। अगर यहाँ मैं आदमी बनाना चाहूँ तो ये इस तरह बनेगा कि ये इस तरह का एरिया बनेगा, ये इंसान इस तरह का, और यहाँ उसकी टांगें स्टार्ट हो जाएंगी, यहाँ उसका थाई स्टार्ट होगा, ठीक है, ये सॉरी तो जी भी बना रहा हूँ बट इस तरह तकरीबन इस तरह इमेजिन करो। तो ये जो एरिया होता है ना, ये एरिया ये पूरा पेल्विस कहते हैं इसको, ठीक है। तो इस पेल्विक वाले एरिया में आपका यूरिनरी ब्लैडर सिचुएटेड होता है, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि जो आपका यूरिनरी ब्लैडर है हॉलो और मस्कुलर ऑर्गन है, और कहाँ सिचुएटेड है, ये पेल्विक कैविटी में सिचुएटेड है। इट सर्व एज अ यूरिन रिजर्वायर, ये जो आपका यूरिनरी ब्लैडर है ये यूरिन को स्टोर करता है, यानी कि ये आपका यूरिन का रिजर्वायर है, स्टोर करता है रिजर्वायर, यानी कि जितना भी यूरिन आएगा वो आपके यूरेटर्स के जरिए कहाँ दाखिल होगा, आपके यूरिनरी ब्लैडर में, और ये आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंड करता जाएगा। जब इसकी एक्सपेंशन अपनी लिमिट पे पहुँच जाएगी ना, फिर आपको ना यू विल फील लाइक दैट यू नीड टू यूरिन आउट, ठीक है, आपको महसूस होगा कि, और आपको पेट होना भी स्टार्ट हो जाएगा कि यार अब यूरिन पास आउट करना चाहिए, ठीक है। और इट सर्व एज यूरिन रिजर्वायर, यूरेथ्रा जो है एक ट्यूब है जो कैरी करती है यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर से कहाँ पर, टू आउटसाइड ऑफ बॉडी। तो एक छोटा सा टॉपिक था ये एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मैन का, बट आगे हम पूरा स्ट्रक्चर होगा, हम पहले किडनी के स्ट्रक्चर की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे ये स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।